ये जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, हम रेडॉक्स रिएक्शन आज स्टार्ट करेंगे। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन की ओर चलते हैं। वर्ड अगर रेडॉक्स को देखो आप, रेडॉक्स दरअसल एक सिंगल वर्ड नहीं है। आई होप आप सभी को ये बात पता भी है कि रेडॉक्स इज नॉट अ सिंगल टर्म, रेडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म। तो रेडॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, जहाँ पे ये पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को और ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस ऐसी सर, ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन जब एक साथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स डॉक रिएक्शन। रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे है, उसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको पढ़ने के कई तरीके हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन स्टडी दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो कौन कौन से मेथड है उसके बारे में जान लेते हैं हम। पहला आता है क्लासिकल कंसेप्ट। सो यू कैन स्टडी योर रिडॉक्स रिएक्शन बाय क्लासिकल कंसेप्ट। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। तीसरा आता है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट हैं, तीन थियोरी हैं जो जिससे हम रेडॉक्स रिएक्शन समझ सकते हैं। हम एक एक करके इन तीनों पर काम करेंगे। तो मीन वाइल अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया सर। ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिकल कंसेप्ट की ओर। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट हम रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, पहले वो समझेंगे, फिर रिडॉक्स रिएक्शन को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की। क्लासिकल कंसेप्ट यानी कि क्लास टेंथ, ये आपका क्लास टेंथ में है, ये क्लास टेंथ सिलेबस में है। ठीक है, क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या है हम वो समझते हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट ये कहता है कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं रिएक्शन लिखूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या गेन कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो आई कैन से दैट मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ, यस सर, यस अगला सर। स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल भी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नॉन मेटल इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन बताइए क्या होगी? Mg प्लस Cl2 गिव्स यू MgCl2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या गेन कर रहा है? नॉन मेटल गेन कर रहा है। तो अगेन ये क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन ही शो कर रहा है। आया समझ में? ठीक यस सर, है, यस तो देखिए अभी तक जो मैंने बात करी है ना, मैंने आपको एक अप्रोच बताया है जहां पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि एडिशन ऑफ, अगर आप इजी वे में देखो तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर कोई भी नॉन मेटल ऐड हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है। क्योंकि तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन भी तो क्या है? ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल ही है, am I right? सर, तो आपका यस सर, आपका जो ये मेटल यस जब ये सर, आपका ऐड हो रहा है मेटल, वो भी आपका क्या है? सॉरी, ये जो आपका नॉन ऑक्सीडेशन, मेटल ऐड हो रहा है वो भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन। अब हम ऑक्सीडेशन समझेंगे एक और कंसेप्ट जिसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन को देख सकते हो। अभी तो आपने एक सीखा था, दूसरा समझते हैं। दूसरा ये कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. एग्जांपल ले लेते हैं, H2S plus O2 gives you H2O plus S. अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे ध्यान से, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने क्या लूज किया यहाँ से यहाँ तक जाने में? हाइड्रोजन लूज कर दिया. हाइड्रोजन से इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. अगला स्टेटमेंट है मेरा, रिमूवल ऑफ मेटल. रिमूवल ऑफ मेटल इज अगेन ऑक्सीडेशन. हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा. के आई प्लस सी एल टू गिव्स यू के सी एल प्लस आई टू. अगर आप इस रिएक्शन को देखो के आई से आयोडीन वाली, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि के आई क्या लूज कर रहा है? पोटेशियम लूज कर दिया इसने. पोटेशियम लूज हो गया यहाँ से यहाँ तक जाने में. अगेन ये क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन. अब देख सकते हो कि ये आपकी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है. हमारे हिसाब से ऑक्सीडेशन ये होता है. ठीक है, ये तो हमने बात करी ऑक्सीडेशन की. यस सर. अब हमें समझना है आपका रिडक्शन, तो हम रिडक्शन की ओर चलते हैं. रिडक्शन दरअसल ऑपोजिट होता है बेटा ऑक्सीडेशन का. तो रिडक्शन में आपका एडिशन ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. इसी रिएक्शन को देखो, H2S plus O2 gives you H2O plus S. अब देख सकते हो यहां से यहां जाते वक्त इसने क्या गेन कर लिया ऑक्सीजन ने? हाइड्रोजन. तो मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है? रिडक्शन. क्या मैं कह सकता हूँ? या फिर एडिशन ऑफ मेटल. एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाएगा? रिडक्शन ही कहलाएगा. कैसे? इसी रिएक्शन को देखो, समझ में आएगा. HgCl2 plus SnCl2 gives you Hg2Cl2 plus SnCl4. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मर्करी था, यहाँ पे दो मर्करी है. तो मैं वन सेकेंड कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है? रिडक्शन शो कर रहा है. Am I right? Yes sir. Yes sir. ठीक है. Yes sir. तो ये तो रहा रिडक्शन का, ये एक पार्ट है, एक व्यू. एक तरीका और है जहां पे हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? रिडक्शन ही होता है. तो इसके लिए रिएक्शन मैं आपको लिख के देता हूं. फॉर एग्जांपल, ZnO plus C gives you Zn plus CO. अगर आप इस रिएक्शन को देखो, तो इस रिएक्शन को देख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड ने क्या लूज किया? ऑक्सीजन. तो ये क्या शो कर रहा है? रिडक्शन ही शो कर रहा है. समझ में आया? यस सर. अगला है रिमूवल ऑफ नॉन मेटल. तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल भी अगर हो रहा है किसी मॉलिक्यूल से, तो वो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन ही कहलाता है. तो के आई प्लस सी एल टू गिव्स यू के सी एल प्लस आई टू. ठीक है, तो इस रिएक्शन क्या में क्या हम देख पाएंगे इसको? क्या इस रिएक्शन को छोड़ दो, इससे बेटर रिएक्शन देखते हैं. इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी. ठीक है, इससे बेटर रिएक्शन देख के देता हूं मैं आपको. FeCl3 plus S2 gives you FeCl2 plus HCl. अच्छा, इस रिएक्शन में देखो अगर ध्यान से, यहाँ पे तीन क्लोरीन थे और यहाँ पे दो क्लोरीन है. राइट? यस सर. यस सर. क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भी रिडक्शन शो कर रहा है? क्योंकि रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज रिडक्शन. यस सर. तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि नॉन मेटल का गेन होना इज ऑक्सीडेशन और नॉन मेटल का निकलना इज रिडक्शन. मेटल या आसान भाषा में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एड होना रिडक्शन और रिमूवल होना ऑक्सीडेशन. क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है, तो अगर हम रिडक्शन की बात करूं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उसका एडिशन होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होता है. ऑक्सीडेशन की बात करूं,
तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है। ये आपका चीट कोड बन तैयार हो गया, इसको आप यूज कर सकते हो एग्जाम टाइम में याद करने के लिए। ठीक है, तो ये समझाते हुए मैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो यहाँ पे कि मास्टर जी ने क्या किया, मास्टर जी ने एक रिएक्शन देखी है यहाँ पे, एक रिएक्शन देखी है यहाँ पे, और दोनों सेम है, और मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है ऑक्सीडेशन और ये क्या है रिडक्शन। इसका मतलब है कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि रिडॉक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो कंफर्म है कि ऑक्सीडेशन होगा, अगर ये हो रहा है तो रिडक्शन होगा, ये भी कंफर्म है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे केमिकल रिएक्शन में एक ही तरह का प्रोसेस हो रहा होगा, या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं होगा, दोनों हो रहे होंगे। क्या क्लियर है? यस सर। यहां देखो, ध्यान देखिए, ये क्या शो कर रहा है, एडिशन ऑफ मेटल, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि इतनी केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, कोई एक ऐसा जरूरी नहीं कि एक हो रहा हो, ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। am I right? Yes sir. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया सर, नोट कर लिया। हो गया सर। डोंट वरी, मैं सबको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, किसी के बोलने से तुरंत नहीं हटा दूंगा मैं। मुझे पता है हर बच्चे की स्पीड अलग होती है और उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट सर। क्या ये सर? हाँ बोलो सर। जो आपने ये कोड बताया है, ये फिर दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल बताता हूँ बेटा, मैंने बोला है कि जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल या हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल ऐड होते हैं। रिडक्शन में मेटल या फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या मेटल ऐड होते हैं और नॉन मेटल या ऑक्सीजन रिमूव होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, एक चीज बोल, अच्छा मैं आपसे बात पूछता हूँ। सपोज आपका न्यूयॉर्क का प्लान बन गया कि नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, वुहान का आपका मन कर गया, मैं हम वुहान घूम के आएंगे। वुहान चाइना में है, सभी को पता होगा शायद, पता है ना? Yes, sir. तुम टिकट बुक कराने जाओगे, कहाँ जाओगे टिकट बुक कराने? तुम क्या चाहोगे कि तुम्हें फैमिली पैकेज दे कोई, है ना, या फिर कोई हॉलीडे पैकेज बना के दे? अब आप लोग दिमाग में अगर ये चल रहा है कि वुहान सर चाइना में कोरोना है, तो आप गलत फहमी में है। वुहान में अब कोरोना नहीं है, वहां पे इनफेक्ट पूल पार्टी हो रही है इस वक्त, तो वुहान इज फ्री फ्रॉम कोरोना। तो चाइना ने पूरे दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद अपने खुद के देश में पार्टी कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो सबसे सेफ इस वक्त कौन सी जगह है? सबसे सेफ वुहान है इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी कोरोना की वैक्सीन है और वो उसने इस चीज को कंट्रोल में लेके आ गया है वो, लेकिन उसने वो दवा डिस्क्लोज नहीं करी है। सही समय पे करेगा, ठीक है, या हो सकता है करे ही ना, ये डर से कि लोग कहेंगे कि उसके पास दवा ऑलरेडी थी। तो सबसे सेफ जगह सब वुहान ही है। अब ये टिकट बुक कराने के लिए, पैकेज बनाने के लिए किसके पास जाओगे आप? टूरिस्ट, ये ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाओगे ना? एजेंट के पास जाओगे, वो सारा काम आपको करा के देगा, है ना? आप बस उसको पैकेज दोगे, वो सारा काम आपको करा के देगा। तो यहाँ पे अब हमें जो समझना है ना, एजेंट का रोल समझना है, समझिएगा। जो आपको टिकट बुक करा रहा है वो ट्रैवलिंग एजेंट हुआ,
तो जो ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर, हम समझना है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला। अब एक चीज बताओ, ऑक्सीडेशन किसका करवाएगा, खुद तो करवाएगा, किसी और करवाएगा, दूसरे करवाएगा? अगर तुम टिकट बुक कराओगे, कराने जाओगे, तो खुद टिकट थोड़ा बुक करेगा, वो तुम्हारी करेगा ना। यस सर, ठीक है। यस सर, इसका मतलब क्या है, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, क्या दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज अदर, और खुद क्या रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद को क्या करता है, रिड्यूसेस करता है, रिड्यूस इटसेल्फ। यस सर, ना। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, और खुद के खुद को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। समझ में आया सभी को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए। हो गया सर। चलिए, तो अब हमें समझ में आया, इतनी सारी बातें समझ में आई, मैंने आपको बहुत अच्छा इस बात समझाई, मैंने आपको अभी ये बताया कि जो रिडक्शन कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कराएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छी चीज बताओ, इसका जो ऑक्सीडेशन है वो किसने कराया, ऑक्सीजन ने, am I right? Yes sir, किसका? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन किसने कराया? सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका, किसका, मैग्नीशियम का। yes, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रिडक्शन किसने कराया, मैग्नीशियम ने। तो मैग्नीशियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। यस सर, किसका, ऑक्सीजन का। आया सर हमें? यस सर। चलिए फटाफट मैं एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि उसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए, Have you tried solving this question? Reducing agent. क्या मालूम पड़ा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। हिमानी बेटा आपकी आवाज कट रही है, क्या बाकी को भी कट रही है इसके बाद, क्या बाकी को भी इसकी आवाज ब्लर आ रही है? सर जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सर जिंक ऑक्साइड। अदिति गर्ग बेटा आप लेट आए हो, कैन यू हियर मी? हु इज दिस चाइल्ड? आदिति कैन यू हियर मी, आई विल रिमूव यू अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो।
सर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सेकंड बेटा होल्ड करो, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? यस सर। हेलो। यस सर। यस बताइए। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सेकंड रुको बेटा, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लूं। आई गेस देयर सम एरर ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। अच्छा मेरी आवाज क्लियर सभी को? अभी स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? चलिए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन में जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट? क्या वो कार्बन का रिडक्शन करा रहा है? एनीवन? पर ऑक्सीजन सर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो वो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? सर रिड्यूसिंग। वेरी गुड, वो उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग। अच्छा अब अच्छी बताओ, ध्यान देखना, यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी कि कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया? इसने कराया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। Am I right? इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया? जिंक ऑक्साइड ने कराया ना, जिंक ऑक्साइड ने। और ये क्या शो कर रहा है आपका? ये शो कर रहा है रिडक्शन। यस सर, रिडक्शन, रिडक्शन शो कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किसने कराया? कार्बन ने। तो कार्बन क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज एजेंट, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा एक और रिएक्शन देता हूं, करके बताओ फटाफट। कीजिए फटाफट बताइए, MnO2 और HCl में। हो गया बेटा, स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। क्या आप सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। मिला करो ना। यस सर। यस सर। मधु मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? मधु मैम, मधु मैम अकाडमिक्स यमुना विहार। बेटा अदिति गर्ग की बच्ची हमारे क्लास की है, किसी को आइडिया है? कैसे हमारे क्लास? यस सर। ठीक है मैं देखता हूँ उस बच्चे का। यश गर्ग आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लास में हो? यश गर्ग सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बेटा क्लास में हो कि फोन साइड में रख के बैठ के आराम से अपने पबजी वगैरह खेल रहे हो? नो सर।
जो क्लास में नहीं बैठा बेटा मैं ऐसे ही मॉक करके नाम लूंगा, और जो बच्चा क्लास ले रहा है ना उसको सुन लेगा मेरा ना, तुरंत अपना नाम कि सर मुझे बुला रहे, तौफिक सही बोल रहा हूँ ना बेटा, तौफिक। यस सर। मलिक साहब कहाँ गए हो, सुन तो आ रहे हो मेरे को? हाँ यस सर। वेरी गुड। हिमांशु यादव। यस सर। वेरी गुड। बताइए MNET और SCL में कौन सा क्या शो कर रहा है? अगर आप MNET को देखें तो MNET जब यहाँ यहाँ जा रहा है तो MNET ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन लूज करना क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। और SCL जो है वो यहां से यहां जाते वक्त हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो हाइड्रोजन लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप सभी सर जानते हैं कि अगर ये रिडक्शन शो कर रहा है तो ये इसका क्या करा रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये इसका ऑक्सीडेशन किसने कराया? इसने कराया। तो ये सर MnO2 इसका क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एम आई राइट? यस सर यस सर सही बोल रहा हूँ। और HCl, HCl ने ऐसा क्या कराया? रिडक्शन। तो ये क्या हुआ इसका? रिड्यूसिंग एजेंट। सर लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इसने ऑक्सीजन लूज किया तो क्लोरीन गेन भी तो किया है, तो जो आपको कंसेप्ट सिखाया है वो तो गलत हो गया ना। अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है कि जो आपका एडिशन ऑफ नॉन मेटल है दैट इज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, एडिशन ऑफ नॉन मेटल को क्या कहते हैं? हेलो हेलो, सर कैन यू हियर? रिडक्शन। एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज रिडक्शन। ओके, एडिशन ऑफ नॉन नहीं मेटल सर इज रिडक्शन, रिडक्शन। नहीं सर सर नहीं सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। 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 एंड अगर आप यहां ऑब्जर्व करो तो जो आपका MnO2 है वो भले ही ऑक्सीजन लूज कर रहा है लेकिन क्लोरीन गेन भी कर रहा है। एम आई राइट? यस यस सर। सर तो कैन वी से दैट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एम्बिगुअस, यहां पे जो कंसेप्ट सिखाया गया है वो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा। तो अब हमें नए कंसेप्ट की जरूरत है। यस सर यस तो अब जो हम यस सीखेंगे वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। अब जो हम सीखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है। सर सर अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है आपका, इसमें अब क्या होगा वो समझते हैं। देखिए यहां पे हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करने वाले हैं। अभी इससे पहले जो आपने देखा वहां पे मैंने आपको ये सिखाया था कि नॉन मेटल्स और मेटल्स के टर्म में आप रेडॉक्स रिएक्शन देखोगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में रेडॉक्स रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले आपका आता है ऑक्सीडेशन। तो जो आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन भी आप इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखोगे यहाँ पे, और इस कंसेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज ऑक्सीडेशन। सो इसको आप डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हो। सो आई कैन से दैट अ प्रोसेस प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और
ग्रुप ऑफ एटम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एटम द्वारा या ग्रुप ऑफ एटम द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिएगा, सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैं कह सकता हूं कि सोडियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। देन टिन, टिन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो टिन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। फिर आपका आयरन, आयरन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आयरन इज ऑल्सो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अगर आप यहां ध्यान दें तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। कैन यू सी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जीरो था प्लस वन हो गया, जीरो से प्लस टू हो गया, प्लस टू से प्लस फोर हो गया, प्लस टू से प्लस थ्री हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मैं कुछ अनायंस दिखाऊंगा तो आप अनायंस में भी जज करेंगे कि चार्जेस क्या हो रहे हैं। MnO4 टू नेगेटिव, अगर ये अनायन है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पे आता है MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर आता है FeCN6 होल 4 नेगेटिव, या ये छोड़ दो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने आपको। ठीक है, तो आप लीजिए क्लोरीन ले लीजिए बेटा, दो क्लोरीन क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 चार्ज था, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ -2 था, यहाँ पे -1 हो गया। सिमिलरली आपको सल्फाइड एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन में? बोलो बेटा क्या कह रहे हो, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। चलिए, तो ऑक्सीडेशन में आई होप आपको इस नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझ में आया कि ऑक्सीडेशन क्या है। अब हम समझते हैं रिडक्शन क्या है। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। हाँ, इलेक्ट्रोनेशन एक रिडक्शन कैसा प्रोसेस है जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो आई कैन से अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by an atom or group of atom तो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है एटम द्वारा, ग्रुप ऑफ एटम द्वारा, उसी को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तभी आप देखते देखो यहाँ पे अब मैं कुछ कटायंस दिखाऊंगा आपको, और जैसे ही वो कटायन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। आप सभी ये चीज देख पा रहे हैं अभी अपने अपने स्क्रीन पे कि SN4 है, उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो SN2+ बन गया। सिमिलरली SB5+ है तो उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो SB3+ बन गया। आप देख सकते हो रिडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। Am I right? Yes, sir. और अब हम नेगेटिव चार्ज का देख लेते हैं। Cl2 मॉलिक्यूल है, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बनाया इसने। सिमिलरली सल्फर है, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, सल्फाइड आयन बनाया इसने। फिर आपका MnO4 नेगेटिव, KMnO4 से निकला हुआ MnO4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बना रहा है MnO4 2 नेगेटिव। आप सभी देख सकते हो यहाँ पे कि सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। Am I right? Yes, sir.
तो ये आपका क्या है, रिडक्शन। तो ये नया कंसेप्ट है बेटा, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई। सभी को समझ में आई है सर? एक बार दोबारा से बता दो बेटा, क्या बताऊं फिर से बताऊं, मुझे क्या समझ में आया? क्या सर ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज वाला? बड़ा सिंपल सी बात है, जब कोई कटायन कटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये पॉजिटिव, अगर मैं लिख रहा हूँ आयरन थ्री प्लस, ये थ्री प्लस का मतलब क्या है, इसको तीन इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो ये बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो, लूज करेगा तो इंक्रीज होगा, है ना। अब आपने दो कंसेप्ट सीख लिया है, अब एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट इसका। हो गया सर। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता कि बताओ क्या ये रिडॉक्स है, तो आप शायद नहीं बता पाते। मैं अगर लिखता CuSO4 plus zinc gives you ZnSO4 plus copper, अगर इस रिएक्शन देखो आप, तो इस रिएक्शन को आप क्लासिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट पे जाओ तो आप आंसर कर सकते हो। इसको आयंस में तोड़ो, Cu2 plus SO42 नेगेटिव, Zn0, Zn2 plus SO42 नेगेटिव, Cu0, तो आपका Cu2 plus है। यहाँ पे भी चार्ज देखो सेम है, SO42 नेगेटिव है, SO42 नेगेटिव है, तो उसको इग्नोर कर दो, इसमें कोई चेंज तो आ ही नहीं रहा है। चेंज किस में आ रहा है? कॉपर में, जिंक में, यहाँ पे जिंक में, फिर कॉपर में। आप देख सकते हो कॉपर प्लस टू में था, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने क्या बना लिया, कॉपर जीरो। जिंक में कोई कमी नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना दिया Zn2 प्लस। अब मुझे बताओ कॉपर क्या शो कर रहा है, जिंक क्या शो कर रहा है? कैन यू हियर द स्टूडेंट्स? Yes, sir. So tell me, which one is showing which kind of reaction? Copper is showing reduction, and zinc is showing oxidation. Copper is showing what, reduction? Can you hear me, students? Yes, sir. कॉपर क्या रिडक्शन शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा तो कॉपर प्लस टू में है, अब कॉपर जीरो में क्या है, तो वो रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन, रिडक्शन हुआ ना? यस सर। क्या हुआ? ओके सर, ओके, रिडक्शन। आपकी आवाज कट रही है बेटा। ओके सर, ओके। देखो यहाँ पे जो वो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, am I right? यस सर, यस सर। ओके अब मैं आपको एक और रिएक्शन लिख कर देता हूँ, इसमें बताओ कौन क्या शो कर रहा है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए, ऐसी आंसर नहीं करना है, फटाफट टाइम लीजिए अपना।
हो गया सभी का डन? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। सॉल्व कर लिया इसको? देखो अगर आप यहां ध्यान दो ना तो सोडियम पर चार्ज कितना है? जीरो। इस पर चार्ज कितना है? जीरो। मॉलिक्यूल है, अगर इसको तोड़ो बेटा, इसको तोड़ो, इसमें क्या है? दो Na प्लस है और एक O2 नेगेटिव है ना, तोड़ना आता है मॉलिक्यूल को ना। अब एक चीज देखो, जीरो से कहां जा रहा है? ये प्लस वन पे जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ये जीरो से कहां जा रहा है? माइनस टू। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि ये क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। इसको बताइए फटाफट, Mg plus Cl2 gives you MgCl2। टाइम लीजिए अपना, प्रैक्टिस से ही आएगी बेटा। डन बच्चो, हो गया? यस सर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। मैग्नीशियम कितना है? जीरो। यहाँ कितना है? इस पर भी चार्ज जीरो है। yes, इसको sir. तोड़ो, क्या आएगा? Mg2 प्लस आएगा और दो Cl नेगेटिव है इसमें। yes, जीरो से कहाँ जा रहा है? ये प्लस टू में जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जीरो से कहाँ जा रहा है? ये माइनस वन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन। यस सर, सर मेरा राइट है, सही है सर। आई होप आप सभी इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हो, जो पहले आप शायद नहीं कर पा रहे होंगे, कि एक नया कंसेप्ट सीखते ही आप लोगों को अब बहुत सारी चीजें का आइडिया हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। चलिए मैं आपको एक और रिएक्शन देता हूँ, देखते हैं कि कितना आया है आप लोगों को। इस रिएक्शन को देखो, BaCl2 plus Na2SO4। ये दे रहा है आपको BaSO4 plus NaCl। पता करो इसमें कौन रिडक्शन शो कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है।
हो गया। यस सर। क्या आंसर आया आप लोगों का? ऑक्सीडेशन बताइए कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन? लाइटिंग बेरियम। मालूम पड़ा कुछ बेटा? शायद बेरियम। शायद अगर आप बेरियम ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को तोड़ो, उसमें क्या क्या है? बेरियम 2+ है और 2 Cl- है। इसको तोड़ो, 2 सोडियम आयन है +1 और 1 सल्फेट आयन है। इसको तोड़ो, बेरियम 2+ है, सल्फेट 2- है। इसको तोड़ो, Na+ है, Cl- है। क्या किसी के अंदर कोई चार्ज का चेन आया क्या? +2 था, +2 है, SO4 2- था, SO4 2- है, -1 ही है, सोडियम +1 था, +1 ही है। तो कोई चेंज नहीं आया तो कार्बोडॉक्स, तो ये रेडॉक्स नहीं है। तो क्या अब आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? कैन आई से दिस? यस सर। यस सर। दैट्स द ब्यूटी वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू राइट नाउ दैट double displacement won't be a redox reaction. Yes sir. तो अब आपको कोई भी double displacement reaction दे दे तो आपके mind में clear होना चाहिए कि वो क्या है, redox reaction नहीं है। नहीं है, नहीं है, क्या ये रेडॉक्स है? ध्यान से देखो। नो सर। ऑब्जर्व करके देखो सारे बच्चे। है सर। नहीं है बेटा, कैसे सर? ये Na प्लस है, ये OH नेगेटिव है, ये H प्लस है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na प्लस है, Cl नेगेटिव है। इसको तोड़ोगे तो H प्लस और OH नेगेटिव है। बताओ किसके चार्ज में क्या चेंज आया है? क्या किसी कोई चार्ज में चेंज आया है? नो सर। जब किसी के चार्ज में कोई चेंज ही नहीं आया है तो हाउ आई कैन से दैट इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? यस सर। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर आपको इन चीजों का आइडिया नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में दिक्कत होगी। ठीक है।
यस सर। चलिए तो एक और क्वेश्चन दूं, करोगे? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, बताना है कौन सा क्या शो कर रहा है और कितने के चार्जेस के चेंजेस आए हैं। तुक्का नहीं मारना है, दिमाग लगाना है, सोचना है कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। कीजिए फटाफट। हो गया सभी का? नाइट्रेट। बताइए इसमें क्या चेंज आया? ये एजी प्लस है, NO3 नेगेटिव है, ये CU जीरो है। अगर इसका तोड़ोगे तो क्या बनेगा? CU2 प्लस और NO3 नेगेटिव और एजी का जीरो। अब बता दो किसमें कितने के चेंजेस आ रहे हैं। सर CU इधर 2 है और इधर 0 है सर, इसलिए ये होगा ऑक्सीडेशन सर। सर कॉपर ऑक्सीडेशन और एजी रिडक्शन। हो गया सभी का स्टूडेंट्स? ओके लुक, यहाँ पे सिल्वर में प्लस वन है, यहाँ पे किनारे जीरो का, तो प्लस वन से जीरो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। रिडक्शन सर, ये जीरो से प्लस टू में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यस। अब राइट? यस सर। यस सर। दिस
वेरी मच इम्पोर्टेंट विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन. यस ओके सो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट विच वी नीड वी आर गोइंग टू लर्न इज ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. ओके टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हो गया सर. चलिए ओके okay so students now we are going to learn new concept which is oxidation number concept. So what is oxidation number concept? Now we need to learn that. Okay सो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट को लर्न करते वक्त सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. इफ यू हैव अ आइडिया अबाउट दिस यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट केस. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. इट इज पहले हमें ये वर्ड ऑक्सीडेशन नंबर समझना पड़ेगा. सो इट इज टेंडेंसी to lose or gain electron. To lose or gain electron. Am I correct? Yes. मैंने आपको बताया है कि एक tendency है electron lose या electron gain करने की. ठीक है. So हर एक पर्टिकुलरली एटम है मॉलिक्यूल है दिस एटम मॉलिक्यूल अंडरगो वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस. ओके एंड दे अंडरगो दिस रिएक्शन जस्ट टू बेसिकली इंश्योर द स्टेबिलिटी. ऑल दे वांट इज स्टेबिलिटी जस्ट टू अर्न स्टेबिलिटी दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज स्टेबिलिटी. आई होप दिस इज क्लियर. Students, I hope this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, the first statement I gave is it oxidation number is a tendency to gain or lose electron, and this gain and lose of electron is occurring due to chemical reaction, and this chemical reaction is occurring due to the stability factor. It wants to earn stability, and to earn that stability, it is undergoing such particular reactions. I hope this is clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, so the next thing which we need to understand here is that ki there are certain elements which have fixed or you can say certain defined oxidation numbers. So we need to learn those numbers to ensure that we can use it while calculating oxidation number of any particular atom. So I can, in easy language, I can say it is the charge of an atom. Okay, residual charge present in an atom. Okay, suppose this is your molecule HNO3. Or agar main ye hydrogen hata do, oxygen hata do, aur tab jo nitrogen pe jo charge aayega na, jo bhi charge aayega is pe, usi ko hum kya bolte hain? Uska oxidation number bolte hain. Okay, so this is a very important thing which we need to understand. कि the number of charges that develop on nitrogen atom is your oxidation number. And remember one thing that here oxidation number is a it can be positive it can be negative. It is not necessary that it will be a single quantity. It is clear? Yes, sir. Yes, sir.
Now we need to focus on rules. What are the rules which we need to understand here? What are rules? The first rule. First rule is the free atom or molecule have oxidation number of zero. The first point we need to grab is the free atom or molecule have oxidation number zero. Okay, so now we need to understand here that if you take any atom or any molecule which is in free state, does not have any charges on it, so I will say that it will be in zero state. So lithium will be having zero charge, or you can say oxidation number of lithium is zero. Sodium in free state will have zero oxidation number. CO2 in free state will have zero oxidation number overall. H2SO4 in free form will be having zero oxidation number overall. So the concept is very simple, that if I talk about this particularly things, that what I'm saying right now here is if I talk about this particular reaction, if I talk about this particular molecules, these molecules tells you if it is in free state, you will observe that it will have a zero charge. It will be having zero oxidation number. Is it clear to all of you? Yes, sir. Please note this down. इसको नोट कीजिए फटाफट. नोटेड सर. यस सर. नोटेड सर. यस सर हो गया सर. यस सर हो गया. यस सर हो गया. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम गिविंग टू यू इज number of cation or anion will be equal to charge present on it. So if I talk about sodium is having +1 charge, so its oxidation state is +1. If I talk about calcium is having +2 charge, so it will be showing +2 oxidation state, the oxidation number. If I have sulfate ion, this will have -2 oxidation state. Is it clear? Yes, sir. Yes, please sir. Please note this down, everyone. Yes, sir. Okay. Ho gaya, sir. Yes, sir. Ho gaya. Okay, so next statement is all alkali metals have oxidation number of +1 in combined state. So I'm saying that jitne bhi aapke alkali metals hain, uska oxidation number hamesha kitna hoga? +1. So oxidation number of all alkali metal will be
प्लस वन। यस सर। अब आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन से होते हैं अल्कली मेटल्स। हेलो बेटा, आप सब ने पूछा है कि अल्कली मेटल्स बताओ फटाफट। सर लिथियम। ओके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे क्या है आपके अल्कली मेटल्स हैं। कैल्शियम। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जब भी ये कंबाइंड, याद रखना अल्कली मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म, जब भी ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं इन पे चार्ज कितना आता है, प्लस वन का। प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, दे ऑल विल शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। द कंसेप्ट इज दिस, जब भी कंबाइंड फॉर्म में होंगे दे विल शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सपोज आपका NaNO3 है तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे कि सोडियम पे बाय डिफॉल्ट चार्ज कितना आएगा, प्लस वन का ही आएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट नोट करेंगे सारे कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, this will show oxidation number of plus 2. This will show plus 2 oxidation number. Is it clear? Yes, sir. Now, कौन-कौन से like alkaline earth metals? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Okay. Now, these all are alkaline earth metals. Whenever they will be in combined form, जब भी ये combine करेंगे किसी के साथ, तो इन पे चार्ज कितना आएगा? Plus 2 का आएगा. Yes, sir. ठीक है, दिस विल शो प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर जब भी ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे, जैसे कि CaSO4, तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि कैल्शियम पे प्लस टू का ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका चार्ज प्लस टू ही होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये आई होप आप सभी समझ पा रहे हो इस चीज को। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, प्लीज नोट एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज प्लस 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज प्लस 3। सो व्हेन यू फाइंड एल्यूमिनियम इन कंबाइंड फॉर्म, रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज ऑल आर इन कंबाइंड फॉर्म, नॉट इन फ्री फॉर्म। These all are in combined form. So whenever they are in combined form, they will be having oxidation number of plus 3. I hope this point is very clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, बेटा जितने भी आपके कार्बन फैमिली के हैं, कार्बन की बात करूं तो जो कार्बन की पूरी फैमिली है ना, कार्बन, सिलिकॉन एंड सो ऑन, कार्बन फैमिली का कोई फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। यू कैन से इसका वेरिएबल है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यानी कि वन भी हो सकता, प्लस वन भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, प्लस फोर भी हो सकता है और माइनस फोर भी हो सकता है। इट डिपेंड करता है किस मॉलिक्यूल को आप स्टडी कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल यू आर स्टडिंग। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। सो दिस इज योर कार्बन फैमिली व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नोटेड सर। ओके, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। लाइक कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली आल्सो हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर।
तो नाइट्रोजन फैमिली का भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है? यस सर, अंडरस्टूड? यस सर, यस सर, ओके ओके. सो वी हैव गॉट सम न्यू आइडियाज अबाउट थिंग्स. आशा करता हूँ कि आप सभी पॉइंट्स देखे होंगे. Yes, अच्छा, sir, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया होने वाला है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सपोज आपको HNO3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपसे कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. इससे पहले आपको ऑक्सीजन का आइडिया होना चाहिए. याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, जनरली होता है -2. हमेशा ज्यादातर आप -2 मिलेगा, लेकिन कई बार आपको -1 भी दिख जाएगा, कई बार आपको +1 भी दिख जाएगा, कई बार आपको +2 भी दिख सकता है, लेकिन जनरली आप -2 ही ऑब्जर्व करोगे. ये फिक्स है कि इसका जनरली -2 ही होगा. यस सर, यस सर, ठीक है. हाँ, तो इसको आप ऊपर से देख लो यार, तार को ऊपर से वहां लेकर वहां लगाना, ताकि वहां पॉइंट है ना, वहां पे नीचे मत जाना, उसको ऊपर कर लेना. एक सेकंड बेटा, ये वाईफाई के तार में दिक्कत आ गई, एक सेकंड रुक जाओ. ओके ओके, खड़ा उसको बताता हूँ. एक सेकंड, हाँ, आप इतना फ्री छोड़ दीजिए कि बाद में उसको मैं बैटन से फिट कर दूँ. मैंने बहुत सारे तार खोल, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, हाइड्रोजन कितना होगा, +1. यस सर, ठीक है. अब आप मुझे बताइए नाइट्रोजन का कितना होगा, मैं निकाल सकते हैं क्या कभी, समझिए कैसे निकलेगा. समझिए, आप ये जानते हैं कि HNO3 जो है उस पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0, am I right? यस सर. अब हाइड्रोजन में कितना है, +1, नाइट्रोजन का पता नहीं है, ऑक्सीजन का 3 × 2 -2 = 0, तो +1 + x - 6 = 0, x - 5 = 0, तो x बराबर +5. समझ में आया? यस सर. तभी मैंने कहा था कि फिक्स नहीं है नाइट्रोजन का, कुछ भी हो सकता है. फटाफट H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो. तो कितना है बेटा, +6 आ रहा है, जिस जिसका 6 आ रहा है गलत है, उसका जिसका +6 है वो सही है. देखो अब यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करना है. अगर आप लोगों ने सॉल्व, वैसे तो आप सभी ने सॉल्व कर दिया है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है. सॉल्व करते हैं इसको. H2SO4 है बेटा, ध्यान से देखिएगा. हाइड्रोजन पे जनरली चार्ज, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन पे जनरली चार्ज कितना होता है, +1 होता है. लेकिन जब ये नॉन मेटल से कंबाइन होता है, सॉरी जब ये मेटल से कंबाइन होता है तो इस पे कितना चार्ज आता है, -1 का. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तो नॉन मेटल से कंबाइन है, तो हाइड्रोजन में कितना है, +1 × 2,
प्लस सल्फर का एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो. सो प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो. तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. एक्स बराबर प्लस सिक्स. ठीक है. यस सर. यस सर. नाउ अब मैं आपको इस कंसेप्ट के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शन चेक करते हैं. ठीक है. अब यहां देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2. ठीक है. अब आपको पता है कार्बन फ्री फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? जीरो. ऑक्सीजन का कितना हुआ? जीरो. अब अगर इसको देखें तो कार्बन का नहीं पता है, मैंने बोला कार्बन का वेरिएबल होता है. तो आप एक्स मान लीजिए. यस सर. एक्स हो गया. ठीक है. तो एक्स प्लस टू इंटू ऑक्सीजन कितना होता है जल्दी? माइनस टू होता है. इक्वल टू जीरो. तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो. एक्स बराबर प्लस फोर. यस सर. तो कार्बन में कितना आया? प्लस फोर. ऑक्सीजन का पता ही होता है, मैंने दूसरे बता दिया माइनस टू होता है. तो जीरो से कहां जा रहा है? प्लस फोर जा रहा है. तो जीरो से प्लस फोर में जाने का मतलब क्या है? जीरो से प्लस फोर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है. इलेक्ट्रॉन के टंबे मत देखो. अब हम नया कंसेप्ट सीख रहे हैं. कंसेप्ट का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है. ध्यान सुनिएगा, कार्बन जो है वो जीरो से प्लस फोर में जा रहा है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो जीरो से कहां जा रहा है? जीरो से माइनस टू जा रहा है. यही हो रहा है ना? यस सर. यस सर. नाउ जीरो से प्लस फोर में जाने का मतलब क्या है? जीरो से प्लस फोर में जाने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एम आई राइट? यस सर. यस सर. और इंक्रीज इन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. क्या ये पॉइंट क्लियर सभी को? यस सर. यस सर. O2 में जीरो से माइनस टू जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन. O2 में जीरो से माइनस टू जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. यस सर. ये क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं. रिडक्शन. हाँ. तो बेटा मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो फटाफट. रिटर्न सर. हो गया सर. चलिए सर. हो गया. आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ जिसमें अभी क्वेरी आई थी हमारी. क्वेरी ये थी, MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus Cl2 plus H2O. ठीक है. अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है. ध्यान से देखना, मैंगनीज का नहीं पता, मैं एक्स मान लो. ऑक्सीजन तो पता है माइनस टू. तो एक्स प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो. तो एक्स बराबर प्लस फोर. एम आई राइट? यस सर. मैंगनीज पे कितना है? यस सर. कितना है? माइनस टू. हाइड्रोजन पे कितना है? प्लस वन. क्लोरीन पे कितना है? माइनस वन. अब यह मैंगनीज पे पता नहीं है हमें, एक्स मान लो. क्लोरीन पे कितना है? माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो टू सॉरी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. एक्स बराबर प्लस टू. तो मैंगनीज पे प्लस टू, क्लोरीन पे माइनस वन. यहाँ पे क्लोरीन पे जीरो, हाइड्रोजन पे प्लस वन, ऑक्सीजन पे कितना आता है? माइनस टू. ये तो पता ही है आपको. अब बताओ ये प्लस फोर से कहाँ जा रहा है? यहाँ पे प्लस टू में. तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ या अच्छा हुआ? सर कम हुआ. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन. कम हुआ सर. रिडक्शन. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. और yes. यहाँ पर तो क्लोरीन है. क्लोरीन माइनस वन से कहाँ जा रहा है? जीरो पे जा रहा है. जीरो पे जा रहा है सर. तो माइनस वन से जीरो पे जाने का मतलब क्या है? सर ऑक्सीडेशन. ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो ये माइनस वन है और ये जीरो है. माइनस वन से जीरो ज्यादा तो इंक्रीज ही तो हो रहा है.
तो इंक्रीज yes, सर ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हो इससे अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन प्रेजेंट हेयर और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, लेकिन भले ही क्लासिकल कंसेप्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है पर आपके जो मॉडर्न कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग ये रिडक्शन ही है और ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको और रिएक्शन लिख कर देता हूँ, इस रिएक्शन बताओ फटाफट कौन सा क्या शो कर रहा है, रिडक्शन कौन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है? बताइए बेटा हो गया ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूलेशन जीरो सल्फर ऑक्सीडेशन प्लस वन और सल्फर पे कितना होता माइनस टू यहाँ पर हाइड्रोजन में प्लस वन ऑक्सीजन पे माइनस टू फिर फ्री फॉर्म में जीरो तो प्लस वन से हाइड्रोजन छोड़ दो कोई नहीं है ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन में जीरो से माइनस टू तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन यहाँ पे माइनस टू से कहाँ जा रहा है ये जीरो पे तो ये क्या शो कर रहा है ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है am I right? Yes, sir. Yes, sir. सभी का यही आया बेटा yes, sir. तो आज की क्लास बेटा मिट्टी रखेंगे yes, sir, same कोई डाउट तो पूछो कोई डाउट है किसी को सबको समझ में आया है क्या हो रहा है Yes, sir. Yes, sir. क्लास में जो आपने सीखा है ना रेडॉक्स कॉन्सेप्ट नया वाला इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे एंड यू विल ट्राई टू गेट कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाए गए हैं क्या वो रेडॉक्स है या नहीं है। सारे असाइनमेंट्स सारे डीपीपीज आपके अपलोडेड हैं तो सारे असाइनमेंट सारे डीपीपीज आप चेक करोगे सॉल्व करके करने की कोशिश करोगे यू विल गेट आइडिया कि वो आपका जो डीपीपी आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं समझ गए यस सर यस सर कोई डाउट yes, डाउट है तो डाउट पूछो अपना नो सर नो डाउट तो आज की क्लास यही एंड करें हम यस सर यस सर तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं बेटा थैंक यू सर Good night. Good night.